हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा चौधरी। आज आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अच्छा टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत उपयोगी है और बहुत सरल है, कहीं भी किसी समय आपको आसानी से मिल सकती है। और वो क्या है, ये हिबिस्कस। आज मैं इसका गुण बताने जा रही हूँ और इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि ये किस किस बीमारी में काम आती है और कितना यूजफुल है। तो ये तो सभी जानते होंगे, इसको इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं और हिंदी में अड़हुल का फूल भी बोलते हैं। ये गणेश जी पर भी चढ़ते हैं, माँ काली पर चढ़ते हैं, और ये बहुत बहुत जगह मिलता है, हर जगह मिलता है। तो दोस्तों, ये फूल तो बहुत इजी से मिल जाएगी, लेकिन इसका उपयोग बहुत बड़ा है। जब औरतें 40 से 45 पार करती है और उसको मेनोपॉज का प्रॉब्लम होने लगता है, किसी को काफ़ी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और कितना भी दवाई करने के बाद भी रुकती नहीं है, तो इसके लिए सबसे बड़ा दवाई है। अब इसको यूज़ कैसे हम करें, इससे 8 से 10 फूल आप ले लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, 10 ग्राम मिश्री लीजिए, उसको गुजराती में खड़ी साकर भी बोलते हैं। 10 ग्राम मिश्री, 8-10 फूल और 1 लीटर पानी, बस। अब इसको बॉयल कीजिए। बॉयल करने के बाद जब वो पानी 1/3 बढ़ जाए, 250 ग्राम करीब वो जल जाए, तो पानी को छान लीजिए और छान करके ठंडा करके दिन में 3 बार 4 बार वो पानी पीजिए। दोस्तों, ये सेम प्रोसेस आपको 3 दिन तक करना है। सेम सेकेंड डे आप 8-10 फूल लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, 10 ग्राम सक मिर्ची लीजिए और इसको बॉयल करिए और पीजिए। 3 दिन आप ये आजमा करके देखिए, कैसा भी ब्लीडिंग हो, मेनोपॉज का आपको बंद हो जाएगा। मेनोपॉज का बंद तो होगा ही, ऊपर से ये कि सुलभाई होता है, पता है, गर्मी के कारण पेट में बहुत दर्द होती है और फिर लगता है टॉयलेट बहुत तेज़ से आ रही है। जब आप जाएंगे संन्यास करने, टॉयलेट करने, तो आपको आएगी नहीं और थोड़ा ब्लड निकलेगी, तो उसमें भी ये काफ़ी फायदा करती है। किसी भी कारण अगर टॉयलेट के रास्ता से ब्लड आता हो, इवन बवासीर में करके आप देखिए, मेनोपॉज में, सुलबाई में, मैंने काफ़ी पेशेंट को इससे मैं ठीक की हूँ, मेरा आजमाया हुआ है। दोस्तों, मैं जितना आपको टिप्स बताती हूँ, हर टिप्स पहले मैं अपने पेशेंट पर आजमाती हूँ और प्रयोग करती हूँ, तभी आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, अगर मेरा ये टिप्स आपको अच्छा लगे तो आप कॉमेंट्स ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।